मैदान में जाते हुए मैं चाहूंगा अपने जोरदार तालियों के साथ इनका मैदान पर स्वागत करें। कहाँ मैदान में क्या होने शुभकामनाएं देने के लिए निवेदन होगा हमारे कमेटी के माननीय सभी प्रतियोगिता का आगाज करें, जोरदार तालियां हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जिनके निर्देशन पे एक बहुत बड़ी टीम लगातार अच्छा कर रही है, उम्मीद करेंगे ये 10वां साल शानदार है, इससे भी आने वाले वर्षों में और भी बेशान नाम जिन्होंने पिछले साल यहां पर धमाल मचाया था। जी हां, पहली बार एंट्री मिली थी इस टीम को और पहली बार में चैंपियन बनकर दिखाया था, तो टीम में दम है। और बहुबाजार की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक का सफर इन्होंने किया है, तो इस टीम को भी कम नहीं आका जा सकता है। जी हां, हुंकार भर रही है बहुबाजार की टीम। सत्या रिटोली अर्जुन उरांव की विसिल के साथ और रवि भाई का भी स्वागत है और साथ में स्वागत है आप सभी का। जबरदस्त यहां पर वापसी की थी सत्यारी टोली की टीम ने। क्या सत्यारी टोली की टीम अपने पिछला प्रदर्शन को यहां पर दोहरा पाएगी, एक बड़ा सवाल है। एक शानदार मूवमेंट यहां पर तैयार किया था लेकिन लंबे कद के डिफेंडर जर्सी नंबर 5 ने बॉल को आसानी के साथ हेडर के जरिए क्लियर किया। बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहां पर बनाते हुए बहुत ही दूर से यह प्रयास। बहुत ही जबरदस्त पास मिला जर्सी नंबर 13 को, बाएं छोर पर सुंदर क्रॉस, हेडर जमाने की कोशिश लेकिन वहां पर बहुत ही शानदार कॉर्नर की लेकिन उतना ही शानदार क्लियरेंस आता हुआ सत्यारी टोली के द्वारा। निकल गए थे लेकिन बैलेंस नहीं रख पाए अपना और बॉल छिटक कर चली गई बहुबाजार के खिलाड़ियों के पास और फिर से आक्रमण की तैयारी बहुबाजार की। अच्छा कॉल वहां पर किया गया है जैसे नंबर 21, सुंदर नियंत्रण। बहुबाजार के गोलकीपर का ये लेकिन नियंत्रण के अभाव में बॉल बाहर थ्रो इन लेते हुए बहुबाजार के खिलाड़ी। बिल्कुल बराबरी का खेल यहां पर चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। और रुक रुक
हल्का पीछे हो जाएगी। लंबा अनुभव है बहुबाजार की टीम को इस टूर्नामेंट में, बहुत ही पहले से ये टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करते आ रही है और सत्यारी टोली का ये दूसरा साल है, लेकिन तारीफ है काबिल सत्यारी टोली को कहेंगे कि एक ही बार में उन्होंने यहाँ पर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। सुंदर क्लियरेंस लेकिन अभी भी खतरा, क्या मैच का पहला गोल आएगा? कमाल का शॉट ऑन टारगेट, लेकिन गोलकीपर को बीट नहीं कर पाए। श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी के लंबा शॉट है, सत्यारी टोली अटैक में, सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। गेंद के साथ है निशांत, अपने साथी खिलाड़ियों से सपोर्ट की उम्मीद, लेकिन एक गलत पास, अभी भी खतरा टला नहीं है। लंबा पास है, क्या पहुंच पाएंगे? ऑफसाइड का फ्लैग उठा है, गुड्डू ने बहुत ही शानदार पास वहां पर दिया था अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन बॉल काफी लंबा टच कर बैठे और वहां पर एक मौका जो था उसका गंवा दिए और ये कॉर्नर किक के रूप में फिर से वापस रिटर्न बंधन के पास बॉल, सुंदर क्रॉस आता हुआ, मौके मिल रहे हैं, बार बार देखना होगा और जी हाँ बिल्कुल पेनाल्टी एरिया के अंदर में यहां पर पकड़े गए, हैंडबॉल हुआ और आप जानते हैं पेनाल्टी एरिया के अंदर अगर ऐसा होता है तो सीधे पेनाल्टी, दम आगे बढ़ाने का अगले दौर के लिए। पिछले बार की चैंपियन टीम सत्यारी टोली को यह मौका जाता हुआ, जर्सी नंबर 30 निशान तैयार हो रहे हैं किक लेने के लिए, सामने होंगे अविनाश गाड़ी। बिल्कुल चकमा दे दिया अविनाश को, आसान सा यहां पर गोल करते हुए बहुत ही बेहतरीन शानदार सेलिब्रेशन के साथ इस गोल को सेलिब्रेट करते हुए। और ये देखिए आप कि सपोर्टर्स मौजूद हैं
आपको भी निराश नहीं होना है, वापसी करेगी मुझे लगता है, उम्मीद है। बहुत ही गलत पास यहां पर जर्सी नंबर 7 का ये किक, लेकिन इस बार सतर्क थे अविनाश गाड़ी। शॉट था, ऑल टारगेट शॉट था, अविनाश शानदार लय के साथ। इस बार कोई गलती नहीं, अपनी टांगी और डाइव लगा के गेंद को पकड़ा इन्होंने। एक गोल से पीछे चल रही है ये टीम। आकाश बिल्कुल तैयार है गोल पोस्ट पे सत्यारी टोली के लिए। एक रक्षा पंती, कमाल का शॉट यहां पे, ऑन टारगेट नहीं लेकिन गति भी थोड़ी सी। जेसी नंबर 10 बबलू का ये क्रॉस, अविनाश का शानदार सेविया में। एक लंबा पास सानंद का निशांत के लिए था, हालांकि निशांत चाहते थे यहां पे रेफरी। क्या मैच का दूसरा गोल देखने को मिलेगा? जी नहीं, बेजोड़ कुर्सी लिखा है, अच्छा है कहाँ के लिखा। प्रिंस के लिए मौका था, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाते से भी कम समय इस पहले हाफ को समाप्त होने के लिए। मैच के ये पहला हाफ, क्या प्रिंस पहुंच पाएंगे क्लियरेंस? ब्लू ब्लैक और ऑरेंज कलर की जर्सी में, ये दूर से शॉट। अर्जुन रेफरी की ये विसल के साथ इस मैच योग्यता में जीवित रहना है तो कम से कम एक गोल करने ही होंगे। एक परिवर्तन यहाँ पर दीपा नजर दौड़ा था, इसी के साथ विसल यहाँ पर शुरू की है भवबाजार की टीम ने। दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत की बिल्कुल सही हुई शुरुआत। चले पीछे तेरा
काफी अच्छा पास था लेकिन नियंत्रण नहीं पा रहे थे। खैर वापस आई है बॉल बहुबजार टीम के पास। जर्सी नंबर 16 ने बॉल को चेंज किया है, इंटरचेंज किया है। लंबा पास और वहां पर क्लियरेंस था हेडर के। एक लंबा पास यहां पे बहुबाजार की टीम अटैक करने के प्रयास में, हालांकि बॉक्स एक हल्का सा शॉट, बेहतरीन पास यहां पर, और क्या शानदार प्लानिंग है ये, लाजवाब अपनी रणनीति को उन्होंने अंजाम दिया और बराबरी पर आकर खड़ा हो गए लाजवाब बहुबाजार। बिल्कुल क्या कमाल का गोल आपने देखा, इससे बेहतरीन विनय को और विनय के द्वारा लाजवाब शॉट। अब इस मुकाबले में एक एक की बराबरी दोनों टीमों के बीच। रोमांच बढ़कर चरम पर पहुंच गया। जी हाँ, तारीफ करनी होगी बहुबाजार की टीम की। जी हाँ, एक गोल से पिछड़ने के बावजूद भी कोई दबाव नहीं, लाजवाब रणनीति बनाई और शानदार बराबरी पर आकर खड़ा हो गए इस टूर्नामेंट को। बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर किक, गोलकीपर के हाथ से छूट गई थी लेकिन शानदार साइड बोली मारी, बॉल को क्लियर कर दिया। दूसरे प्रयास था लेकिन यह प्रयास काफी नहीं था और फिलहाल स्टॉपर बहुबाजार ने बॉल को। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल बुंडा, 10वां साल मौका यहां पे इस मुकाबले में बढ़त बनाने का प्रिंस के पास। एक गोल को बाहर मार बैठे। बॉक्स के अंदर से ये शॉट ऑन टारगेट, आकाश के लिए कोई परेशानी नहीं। एक अच्छा स्किल यहां पे निशान, जो कि मैच में पहला गोल कर चुके हैं, मैच में दूसरा गोल दागने का मौका था। गोल पोस्ट के बिल सत्यारी टोली, क्या हेडर देखने को मिलेगा। हेडर जर्सी नंबर 7 आनंद, एक हल्का सा पुश अपने साथी खिलाड़ी के लिए। हेलो, अरे राय जल्दी पूछ। खिलाड़ी जब एडवांटेज दिया जाता है तो समझे क्या हो रहा है। तुम कहाँ है? अबे बड़ा पास सही देना। के सीन वही तो, हमको जाने नहीं दिया, गाड़ी घुसा दिया था वहाँ। ये शानदार तरीके यहाँ पर लेते हुए बंधन, सुंदर क्लियरेंस किया है वहाँ पर स्टॉपर ने, लेकिन अभी भी खतरा मंडरा हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आपके सामने होंगे मैकॉन स्पोर्ट्स रांची और विश्व सनातन महासंघ दलादली। अगले मैच के लिए आप दोनों ही टीमों को तैयार रहना है। ठीक है, ठीक ठीक, अभी एक एक है स्कोर।
वहाँ पहले सत्यारी टोली मारा था, एक लंबा शॉट यहाँ पे, हल्का सा हेडर प्रिंस के लिए मौका था, आगे भी बढ़े लेकिन उससे पहले कुछ चमत्कार कर पाते। क्या बोलता है आकाश अपने एरिया से बाहर निकल के गेंद को पकड़ लिया। भीड़ उतना नहीं है उधर, रोड साइड में छेक दिया ना इसीलिए। ठीक ठीक, संकट के बादल अभी भी मंडराते हुए सत्यारी टोली के लिए, लेकिन इस बीच यहां पे क्लियरेंस दर्शक बंधुओं से रिक्वेस्ट होगा कि आप मैच का आनंद लें, मैच का लुत्फ उठाएं, कमेंट्स ना करें। दोनों ही टीमें बिल्कुल मजबूत थी। अच्छा पास हुआ अपने साथी खिलाड़ी के लिए, वहां पे लंबा क्रॉस, बॉल को चेस्ट से रिसीव करते हुए, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पास देने में। वहां पे काफी अच्छा स्किल वहां बॉल को काटते हुए ले जाते हैं, लेकिन पास वहां पर साथी खिलाड़ी देना पड़ा सर, ये रॉन्ग पास। दोनों ही टीमें एक एक की बराबरी पर, काफी रोमांचक उतराव चढ़ाव का मैच, देखना है सफलता किसे हासिल होती है। काफी तेज, लेकिन वहां आशीष रेफरी काफी तेज उनकी निगाहें, और यह ऑफसाइड करार दिया होगा। क्या व्हिसिल पे खेले, मुंह से ना खेले। कमाल का ब्लॉक यहां पे अंकित के द्वारा, एक लंबा शॉट आनंद के लिए, आनंद क्या मौका बना पाएंगे। अविनाश अपने एरिया से बाहर निकल के पंचाव किया इन्होंने, अच्छी भिड़ंत हुई थी बॉक्स के अंदर। प्रिंस गेंद को लेने के लिए, अक्सर लोगों के फिसल जाते हैं, आएगा तो बता देंगे। अब देखना होगा कि इन दोनों में टीमों में से कौन सी टीम आगे बढ़ पाती है, किसका सफर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। सत्यारी टोली की टीम अटैक में, इस बीच यहां पे मौका अभी भी है, लेकिन एक लंबे शॉट के जरिए खतरे को टाला कुछ क्षणों के लिए। अविनाश जर्सी नंबर 10, काफी कम समय, लंबा शॉट है बॉक्स के अंदर, गेंद है, मौका है, लेकिन मौके को भुना नहीं पाएंगे। जर्सी नंबर डाकिया डाक लेकर आया, लेकिन बिना पत्र दिए लौटा, मौका आया था लेकिन मौका तो निकल गया है हाथों से। सत्यारी टोली अटैक में, इस बीच यहां पे दूर से शॉट, अच्छा ब्लॉक यहां पे, अच्छी स्किल यहां पे जर्सी नंबर 3 के द्वारा, संघर्ष किया इन्होंने। बंधु मैच का पूरा आनंद उठा रहे हैं, और जहां तक हमारे सदस्यगण चारों तरफ तैनात, और कोशिश करें कि जितने भी दर्शक बंधु हैं मैच का आनंद लें, कमेंट्स ना करें। नवचार का डैम्सी बहु बाजार, जर्सी नंबर 10 में अमित, इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाएंगे,
फाइनल विसल आ चुकी है रेफरी अर्जुन जी की, और इसी के साथ इस मैच की समाप्ति यानी कि इस पूरे मैच में एक एक गोल देखने को मिला। पहला गोल धन्यवाद सभी की निगाहें अब शूट आउट पे, पहला वार करने को तैयार है विनय और ये है खिलाड़ी बहुबजार एफसी के, सामने है आकाश सत्यारी टोली के। कमाल की शुरुआत, टॉप कॉर्नर में ये शॉट, विनय इससे पहले इन्होंने मैच में भी गोल मारा था और इससे बेहतरीन स्टार्ट और क्या हो सकता था इस शूटआउट में। पूरी मैच में अच्छी गोलकीपिंग रही है अविनाश के द्वारा, अब गोल पोस्ट पे नजर आएंगे बहुबजार के गोलकीपर और पहला शॉट लेने के लिए तैयार हैं जर्सी नंबर 11। वहाँ ऐसे ही लिखा होगा, माफ कीजिएगा जर्सी नंबर 13 निशांत, और इन्होंने भी मैच में गोल किया था। कोई गलती नहीं, बिल्कुल परफेक्ट फिनिश निशांत के द्वारा। इससे पहले भी इन्होंने एक पेनाल्टी शूटआउट में गोल, यानी कि दोनों ही टीमों को स्टार्ट अच्छा मिला है, एक एक का स्कोर है। अब यह देखना होगा कि कौन सी टीम और किस खिलाड़ी के द्वारा पहला गलती देखने को मिल सकता है। वो क्या है कि फुटबॉल ना गलतियों का खेल है, यानी कि जो भी टीम कम से कम गलती करेगी उसी टीम को सफल होने के ज्यादा मौके मिलेंगे। फिलहाल यहां पे जर्सी नंबर 11 तैयार है शॉट लेने के लिए बहुबजार के खिलाड़ी नेल्सन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, अब तक तीनों शॉट लगे हैं गोलकीपर के बिल्कुल बाईं ओर और तीनों शॉट में दोनों ही गोलकीपर अपने दाईं ओर अटैम्प्ट लिया, इसलिए पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। जो गोल किक लगाकर एक साइड बैठ जाए, एक साइड बैठ जाए, 11 नंबर जर्सी एक साइड बैठ जाए, आप लोग एक साइड बैठ जाए। वो था आगे बढ़े पीयूष कुजूर टीम के कैप्टन का ये शानदार गोल। एक और बार बिल्कुल गोलकीपर की बाईं ओर, अभी तक चार शॉट चारों में गोलकीपर के बाईं ओर। क्या कमाल का मैच यहां पे आप देख रहे हैं, मैच के बाद ये शूटआउट टाई ब्रेकर, पहला ही मैच है लेकिन कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच नजर डालिए अगले मैच की और दला दली आ चुकी है अपना दमखम दिखाने मैदान के अंदर। चार
छोटू लिंडा बॉटम कॉर्नर में ये शॉट, कोई मौका नहीं आकाश के लिए, एक और शानदार जबरदस्त गोल। अभी तक जितने भी शॉट लगे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं। हमारे दर्शक क्या चाहते हैं, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, एक बार हाथ उठा के बताइए कि यहां पे बहु बाजार के चाहने वाले कितने हैं, बहु बाजार के चाहने वाले और सरप्यारी टोली के चाहने वाले एक बार हाथ उठाएंगे। कमाल का शॉट यहां पे सत्यारी टोली के खिलाड़ी के द्वारा, और इस बार ये शॉट था गोलकीपर के बिल्कुल दाईं ओर। भेज 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 मैकॉन, आपसे भी अब निवेदन है कि आप ही मैदान के अंदर आ जाइए, आपके ओपोनेंट आ चुके हैं मैदान के अंदर। इस बीच यहां पे एक परिवर्तन देखेंगे, गोलकीपिंग में बदलाव हुआ है। विशाल विंच अब आए हैं गोलकीपिंग में, रोमांच बिल्कुल चरम पर। जी हाँ, यहां पर भी बराबरी का मामला चलता हुआ, कहना मुश्किल, धड़क रहा है दिल। जर्सी नंबर 7 बहु बाजार के चौथी किक, आसान सा गोल यहां पर किक किया गोलकीपर को, चौथा किक भी गोल में तब्दील करते हुए बहु बाजार के जर्सी नंबर 7। अभी तक दोनों ही गोलकीपर कोई करामत नहीं कर पाए हैं, निश्चित तौर पर टीमों को उम्मीद होगी कि वो थोड़ा सा हरकत दिखाएं और कुछ कमाल करें। इसी बीच जाते हुए चौथी किक लेने के लिए दला हाथों थोड़ा सत्यारी टोली के जर्सी नंबर 5। बहुत सही विकेट ले रहे हैं सभी खिलाड़ी, अभी तक कोई मौका नहीं मिला गोलकीपर को। प्रयास था लेकिन इस बार भी बीट कर गए जर्सी नंबर 5। चार चार की के बाद स्कोर बराबरी पर। सूरज टुडू का ये शॉट था, हाथ को आया बस मुंह ना लगा। अविनाश के द्वारा अच्छा अटेम्प्ट लेकिन पहुंच नहीं पाए। रेफरी अर्जुन जी अपने इशारे के साथ बुला रहे हैं, यहां पे मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, कहीं ये टाई ब्रेकर सडन डेथ की ओर ना बढ़े। जर्सी नंबर 10 आए हैं शॉट लेने के लिए, अमित पूरे मैच में अच्छी रही है इनकी कोशिश, फॉर्मेट में एक युवा खिलाड़ी। बहुत ही खूबसूरत अद्भुत अमित, लाजवाब अमित, कोई खतरा मतलब पूरी उम्मीदें
अविनाश के कंधों पे। दोनों ही गोलकीपर्स के द्वारा अभी तक कोई भी बचाव देखने को मिला नहीं है। पिछले साल की चैंपियन टीम सत्यारी टोली के सामने बहु बाजार, सुरेश स्टैम्बा कमाल का शॉट यहां पे। दबाव पे बिना इस प्रकार के शॉट्स को आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे झारखंड में फुटबॉलर्स और फुटबॉल की अपार संभावनाएं। जर्सी नंबर 15 के शॉट को रोकने के लिए तैयार सोनू। अबन टोपो, हालांकि सोनू अपने स्थान पे बिल्कुल खड़े रहे, इन्होंने तो प्रयास भी नहीं किया। खैर जाने दिया, गेंद गोल पोस्ट के अंदर चली गई। क्या लड़ाई चल रही है यहां पे, कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं। इस पहले मैच में पहला दिन है, एक लंबा दंगल मैच के बाद अब टाई ब्रेकर में भी। गति थी और गति से बीट किया अविनाश को, बिल्कुल सेंटर में ये शॉट था। अविनाश निकले अपनी दाई और गेंद निकल गई सीधे गोल पोस्ट के अंदर। सडन डेथ यहां पे चल रहा है, यानी कि कौन सी टीम और किस खिलाड़ी के द्वारा गलती आप देखेंगे। प्रिंस का ये शॉट रोक लिया है सोनू टिग्गा। देर आए बिल्कुल दुरुस्त आए हैं। क्या बचाव यहाँ पे, प्रिंस का पावर दिखा नहीं बॉस। और यहाँ पे सोनू मैदान मार गए, गुरु रोक लिया इन्होंने। बदलाव किया था सत्यारी टोली ने, बिल्कुल सही खिलाड़ी पे दांव खेला था और सोनू तिग्गा निराश नहीं किया। जीते की चाल बाज की नजर और सोनू की गोलकीपिंग पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकते हैं ना। चलिए अब अविनाश आपकी बारी है। ढीला हो गया अचानक से ऊपर। सोनू ने बचाया है, अब गोल करने की जिम्मेदारी मिली है, हीरो बनने का मौका। पूरा समय लेके अपने आप को कंट्रोल करके इस मुकाबले को जीत लिया और जीत का जश्न भी देख लीजिए। एक परफेक्ट जिम्नास्ट की तरह सोनू तिग्गा। एक ही तो दिल है, कितनी बार आप जीतोगे। फिलहाल इस मुकाबले के